देखिए, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा फीडबैक बैठक ले रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम में रंधावा ये बैठक ले रहे हैं, फीडबैक बैठक ली जा रही है। प्रभारी रंधावा की तरफ से लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों से चर्चा की, पूर्व पीसीसी चीफ से मंत्रणा करेंगे प्रभारी रंधावा। तो बता दें कि कल मंत्री, एमएलए प्रत्याशी और पीसीसी पदाधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल चर्चा कर रहे हैं प्रभारी रंधावा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा फीडबैक ले रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में रंधावा ये बैठक ले रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, पूर्व पीसीसी चीफ से मंत्रणा भी करेंगे प्रभारी रंधावा। कल मंत्री, एमएलए प्रत्याशी और पीसीसी पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल फीडबैक ले रहे हैं और लोकसभा प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक चल रही है, जो कि प्रभारी सुखजिंदर रंधावा इस बैठक को कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पूर्व पीसीसी चीफ से मंत्रणा भी करेंगे प्रभारी रंधावा। तो बता दें कि कल मंत्री, एमएलए प्रत्याशी और पीसीसी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता। दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा फिलहाल बैठक कर रहे हैं पीसीसी वॉर रूम में, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर और कौन कौन मौजूद? दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क टूट गया है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा बैठक ले रहे हैं, जिसमें पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक चल रही है और साथ ही लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों से वो चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कल भी बैठक होने वाली है और कल भी एमएलए प्रत्याशी मंत्री तमाम नेता कल जुड़ेंगे, जिनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। तो फिलहाल पूर्व पीसीसी चीफ जिनसे चर्चा करने वाले हैं इस फीडबैक बैठक के बाद। दिनेश आगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता। दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जो कि फीडबैक बैठक ले रहे हैं, और कौन कौन बैठक में शामिल हैं, कौन कौन मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है, पूरी जानकारी दीजिए बैठक को लेकर दिनेश। जी देखिए, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 3 दिन के जयपुर दौरे पर है, क्योंकि यात्रा के दौरान उनको राजस्थान का इंचार्ज बनाया गया था, तब वो राजस्थान के नेताओं से बातचीत नहीं कर पाए थे, उनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे। तो अब यात्रा का कारवा राजस्थान से गुजर चुका है, तो फुर्सत में अब वो नेताओं से मेल मिलाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो अभी एसएमएस अस्पताल मार्ग स्थित कांग्रेस नेताओं से वो फीडबैक ले रहे हैं। सबसे पहले जो 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में उनके जो कैंडिडेट थे, क्योंकि राजस्थान में एक भी कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जीता था, तो उन हारे हुए प्रत्याशियों से उन्होंने सामूहिक चर्चा की और डिस्कशन किया कि वहाँ कांग्रेस पार्टी क्यों हारी है, आगे क्या कर सकते हैं। तो नेताओं ने कहा कि एक अच्छी प्रयोग, अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि प्रभारी इस तरह से फीडबैक ले रहा है, पार्टी की मजबूती की बातें कर रहा है। तो एमपी प्रत्याशियों से बातचीत का दौर समाप्त हो चुका है और अब आखिरी बैठक का दौर जारी है। और जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, रामेश्वर डूडी है, इमाराम चौधरी है और पूर्व पीसीसी चीफ है, बीडी कला है, सचिन पायलट है, इनसे वो अब चर्चा करेंगे, नेता प्रतिपक्ष से अलग चर्चा करेंगे पूर्व, और एक्स पीसीसी चीफ से अलग करेंगे, वही पार्टी में क्या सुधार किया जाए, क्योंकि अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। एक साल पहले ही कांग्रेस ने कमर कस ली है, बहुत ही अच्छे कांग्रेस के मजबूत पृष्ठभूमि के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को यहाँ पर लगाया गया, और कल भी उनकी फीडबैक जो बैठक है दौर जारी रहेगा। सुबह 10:30 बजे तमाम मंत्रियों से इस तरह फीडबैक लेंगे, उसके बाद पार्टी के जो पीसीसी सदस्य है, अन्य नेता है, उनसे चर्चा करेंगे, और कल शाम 4 बजे वो पीसीसी जो पदाधिकारी है उनसे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फीडबैक बैठकों का दौर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद उनका 3 दिन का दौरा समाप्त हो जाएगा और वो दिल्ली चले जाएंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए।